समस्या ये होती है कि भीम इतना गरज रहा था कि उसके गर्जनाओं से जो कौरव पक्ष की सेना थी इतर तितर हो गई थी, और भीम ने जो दुशासन को बचाने के लिए दुर्योधन आया था, दुर्योधन को भी अपनी गदा के प्रहार से ताड़ित किया, दुर्योधन को घायल देखकर उसका जो सेनापति उसका जो सैनिक था वो अश्व पर लाद कर वहाँ से भगा जाता है, वो भगा कर दूर ले जाता है रणभूमि से, और उस प्रकार कर्ण और भृशुसेन, कर्ण का पुत्र भृशुसेन उनका अर्जुन के साथ युद्ध होता है। बाद में दुशासन का वध हो जाता है और दुशासन वध के समाचार चारों फैल जाते हैं। दुशासन वध के समाचार के बाद कर्ण सेना नायक के रूप में उभर आता है और कर्ण सेना नायक के रूप में अर्जुन के साथ युद्ध करता है। कर्ण और अर्जुन के बीच हो रहे युद्ध में एक और कृपाचार्य वगैरह भी थे, युद्ध में कर्ण हारता सा प्रतीत होता है, अपनी पराजय प्राप्त धीरे धीरे पराजय मिलती है कर्ण को अर्जुन के सामने, और उसी समय कर्ण की पराजय की बात सुनकर कि अपने पिता पराजित होते जा रहे ऐसी बात सुनकर उनका पुत्र भृशुसेन कर्ण का पुत्र वह भी अर्जुन के साथ युद्ध करने पर उतर हो जाता है और रणभूमि में प्रवेश करता है और कर्ण और भृशुसेन अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। तो इनका संवाद अर्जुन और भृशुसेन का संवाद चारों तंत्र में विपुल प्रमाण में उपलब्ध है कि इन दोनों के बीच क्या क्या संवाद होता है। अर्जुन भृशुसेन को कहता है कि तुम अभी बालक हो और मेरे सामने तेरे पिता भी कर्ण भी टिक नहीं पाते मेरे पांडवों के सामने और तू कैसे टिक पाएगा, इसलिए तू मरना न चाहता हो तो यहाँ से निकल जाए। और भृशुसेन अर्जुन को सामने से कहता है कि मेरे पिता के हाथों तेरी मौत लेके लेकिन अब मैं तुझे मारूंगा। इस प्रकार भृशुसेन और अर्जुन के बीच युद्ध होता है। भृशुसेन कर्ण को अपने पिता को बचाने के लिए उनकी ढाल बनकर आता है और अर्जुन भृशुसेन के बाणों के प्रहार से पराजित होता जा रहा है युद्ध में अर्जुन भृशुसेन के बाणों का सामना नहीं कर पाता है और बाद में इन दोनों के बीच भी वाक युद्ध होता है जैसा कि कर्ण और अश्वत्थामा के बीच हुआ और अंत के अंत में अर्जुन ने भृशुसेन पर प्रहार किया, गांडीव की टंकार सुनाई और भृशुसेन का वध होता है यह समाचार जो रणभूमि में से पलायन हो गया था उस दुर्योधन के पास पहुंचा दिए जाते हैं और दुर्योधन भृशुसेन के वध से है वत्स इस प्रकार विलाप करके थोड़ा खेद प्रकट करता है कि भृशुसेन का भी वध हो गया। और भृशुसेन का भी वध होने के बाद कर्ण वगैरह का युद्ध होता है, कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होता है जिसमें कर्ण भी मारा जाता है और रणभूमि में से जो पलायन हो गया था दुर्योधन वो तो एक और मृत पाया हालत में यानी कि घायल हालत में यह रणभूमि का वृतांत सुन रहा है, अपने पास रहे सैनिक के पास से सुन रहा है और इस और कर्ण का सारथी था शल्य वो भी वहाँ से पलायन होकर दुर्योधन के पास जाता है और इतने में समाचार फैल चुके कि कर्ण का भी वध हो गया है। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के सिवा सभी उसके भाइयों का वध हो गया था और अंक पांच में दुर्योधन रणभूमि से पलायन होकर जहाँ पर छुप कर बैठा था घायल अवस्था में वहाँ पर धृतराष्ट्र एवं गांधारी दुर्योधन से संवाद करने के लिए उसे समझाने के लिए आते हैं। उसका वर्णन पांचवें अंक में प्राप्त होता है कि महाभारत के युद्ध में कितने ही राजाओं का वध हो गया, 99 भाइयों का वध हो गया, इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को आघात लगा है वो समझाने के लिए दुर्योधन को समझाने के लिए दुर्योधन के पास युद्ध भूमि पर आते हैं। युद्ध भूमि पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन रणभूमि में नहीं है पर रणभूमि में से भागकर कहीं जगह छुपकर
घायल अवस्था में पड़ता है और उसे उसका सैनिक समाचार देता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी आ रहे हैं। तो दुर्योधन अपने को लज्जा सा महसूस करता है, लज्जित महसूस पाता है कि मैंने ही यह युद्ध का निर्माण किया था, युद्ध के लिए परिस्थिति का निर्माण मैंने ही किया था और मेरे पिता धृतराष्ट्र और गांधारी मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि जिसने युद्ध का राज छेड़ा था वही यहाँ पर छुप कर बैठा है। इस प्रकार उसके पास आते हैं दुर्योधन के पास गांधारी और धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन जी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बाहुबल और उनकी अमोघ शक्तियों के बल पर हम महाभारत के युद्ध का निर्माण किया था, हमने युद्ध का आह्वान पांडवों को दिया था, वे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो कब के मृत्यु उनकी तो हो चुकी, वे अब जीवित नहीं रहे, तो उनके सिवा तुम्हारे निन्यानवे भाई का और तुम्हारे भनोई जयद्रथ का भी वध हो गया है, तो अभी युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों में से किसी एक का वध हो गया तो अपने को जीवित महसूस नहीं पाएगा, जीवित देख नहीं पाएगा। इस प्रकार युधिष्ठिर बार-बार दोहरा रहा है, तो युधिष्ठिर अभी भी युद्ध को टालने के लिए प्रयत्नशील है, तो क्यों न दुर्योधन तुम युधिष्ठिर से जाकर संधि प्रस्ताव कर लो और उन्हें छोटे से पांच गांव दे दो, संधि में पांच गांव दे दो और यह युद्ध अभी टल सकता है और तुम बच सकते हो। इस प्रकार दुर्योधन को धृतराष्ट्र और गांधारी समझाते, यह पांचवें अंक में आता है और वे कहते हैं कि अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी जयद्रथ को मारने की, प्रतिज्ञा उसने पूरी की, भीम ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी दुशासन को मारने की, तो तुमने देखा कि भीम ने दुशासन की छाती से, वह जीवित था, रणभूमि पर घायल पड़ा था, उसकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई थी और उसके वक्षस्थल चीरकर उससे रक्त प्लावित हो गया खुद और द्रौपदी का केश सिंचन करने के लिए भी वह पहुंच जाता है। यह सभी बातें पता कर रहते हैं गांधारी और धृतराष्ट्र की, पांडव पक्ष की ओर से जो जो भी प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी वो पूरी होती जा रही है और एक ही प्रतिज्ञा बाकी रही है, तुम्हारी भुजाओं का चूर चूर कर प्रहार कर दे, प्रहार करके चूर चूर कर देंगे, यह प्रतिज्ञा बाकी रही है, तो अब तुम अपने को बचा लो और युद्ध को टाल लो। इस प्रकार समझाते धृतराष्ट्र और गांधारी, लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि दुर्योधन कहता है पांचवें कि मैं युधिष्ठिर के सामने, युधिष्ठिर ने हमारे निन्यानवे दुशासन को भी किस प्रकार मारा है, हमारे निन्यानवे भाइयों को मार डाला, उनका वध कर डाला और मैं कैसे उसके सामने ऐसी प्रतिज्ञा करूं, क्या मैं बदला लेने के लिए उतर न हो सकूंगा। और एक और देखा भीम ने दुर्योधन ने कि उनके निन्यानवे भाई और दूसरे जो राजा थे उनके रक्त प्लावित सब लाशें जो रणभूमि पर पड़ी थी उसको मृग सियाल सुंगाल और कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, यह दुर्योधन ने देखा और दुर्योधन को लगा कि ये सभी मेरी वजह से हुआ है और वह भागने की तैयारी कर रहा होता है। इतने में भीम और अर्जुन वहां पर उपस्थित हो जाते हैं दुर्योधन, क्योंकि रणभूमि पर भीम और अर्जुन ने सभी का वध कर डाला है और वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और उपस्थित होकर दुर्योधन को कहते हैं कि कायर तूने ही युद्ध को निमंत्रित किया था और तू यहाँ छुप कर बैठा है, और वो धृतराष्ट्र और गांधारी को भीम और अर्जुन वड़ील होने के नाते धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करते हैं और दुर्योधन को उपालम देते हैं और दुर्योधन भी कोसते हैं, दुर्योधन भी आवेग में आकर उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस समय अश्वत्थामा कहता है कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उनको युद्ध में मार डालूं। इस प्रकार अश्वत्थामा की बात को ठुकरा कर दुर्योधन वहाँ से छठे की शुरुआत में एक सरोवर में छुप जाता है और
जो महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन था उसका वर्णन छठे में प्राप्त होता है कि युद्ध में वहां पर छुप जाता है दुर्योधन और भीम अर्जुन उसे ढूंढने के लिए आते हैं। वैसे पांचवें अंत में युधिष्ठिर ने उनको आवाज दी और वहां पर जो अर्जुन और भीम युद्ध के लिए दुर्योधन को गांधर्व धृतराष्ट्र की उपस्थिति में ललकार रहे थे वे युधिष्ठिर की आवाज सुनकर छावनी में अपनी जो छावनी थी लश्करी वहां पर चले गए। लेकिन दूसरे दिन यानी कि महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन भीम और अर्जुन साथ में भगवान कृष्ण भी है और वे दुर्योधन कहां छुप गया यह ढूंढते हुए आते हैं। लेकिन एक व्याधि नामक जो दुर्योधन के पद संचरण थे उनके पद पैरों के निशान थे वो बताए कि दुर्योधन यहाँ से निकला और ये इसके पैर है और इस प्रकार दुर्योधन के पैरों के दिशा में गए तो दुर्योधन सरोवर में छिप गया था। सरोवर में से भीम वगैरह ने ललकारा और वह दुर्योधन को बाहर आया और दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा कि अब तू कायर बनकर ऐसे छुप जाएगा, तुमने तो युद्ध को आमंत्रित किया था और हम में से किसी के भी साथ हम तेरे जैसे नहीं है, तू किसी के भी साथ युद्ध कर। और उस समय दुर्योधन भीम के साथ गदा युद्ध करता है और भीम दुर्योधन की जांघों को चूर चूर कर देता है और वहाँ पर दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन महाभारत से थोड़ी वैसा की कथा अलग है। दुर्योधन का एक मित्र था जो राक्षस था जिसका नाम था कच। वो राक्षस चालाक नाम का राक्षस दुर्योधन का मित्र होने के नाते दुर्योधन से भीम मारा गया है ऐसी उल्टी अफवाह